मुजाहिद हुसैन साहब जी जी, जिस तरह पहला तुसीं दस्सिया ना कि कई बार ठुमरी ते इस तरह वह भी लफ्ज अदा हो जाते जो शायद शायर ने सोचे होंगे लेकिन लिखे नहीं होते, लिखे नहीं होते, यानी वो तखयल किधरे होंगे तो सारा कुछ तो वह हमने जो मुझे याद सजन की आए तो वे च लगे। मैंने दसो कि जिस तरह मुख्तलिफ जबान के हवाले से गल करने पंजाबी जबान उर्दू जबान या फारसी या जिस तरह बाकी जबाना जड़िया बरेसगीर दिया जबाना ने ठुमरी जी है ये भी कोई खास जबान का होंगे या उर्दू या पंजाबी या की जो लिखी जाती है या क्या ये बाकायदा कोई वजन और की होंगे क्योंकि मैं भी एक ठुमरी लिख रखी है जी जी। लेकिन मैं समझनी हाँ कि तुम साढ़े सुनने वाले दसो ठुमरी देखो जी गल है कि ठुमरी मैं जी उर्दू के ज़्यादा होंगी पंजाबी से मैं घट ही सुनी है ठुमरी शायद कुछ गाई हो उर्दू च होंगी है ठुमरी मैं जो तुम डीप जाके किसी चीज़ को महसूस कर लगो ना तो सब तो नेड़े जी चीज़ पैंती है ना ख्याल तो भी वह ठुमरी पैंती ठुमरी किसी चीज़ को एक्सप्रेस बहुत अच्छा करती है। मैं एक ड्रामे का म्यूजिक देना सी ये भी किसी की बेटी है कराची दे प्ले सी उन्होंने मैं कहा कि एरे विच कोई कैफियत ऐसी है हिजर फिराक नू बहुत रिप्रेजेंट करती है ठुमरी ते मैनू खास बड़े गुलाम अली खान भी ठुमरी याद पिया की आए ये दुख सहा ना जाए ऐ ठुमरी दा सी एक लाइन ले ली। बाकी अयूब खावर चुके डायरेक्टर भी उहदा सी ते प्रोड्यूसर भी सी उहने उर ते शेर लिख दिते क्योंकि ठुमरी की पोइट्री वाइज कट लाइना होंगी है यानी एक दो लाइना दे विच ही सारा बहुत ज्यादा अंतरे दी लाइन हो गई फिर दोबारा उसे ही लाइन रिपीट लेकिन तुसी अगर सिचुएशनल से उन बढ़ाओ तो तुसी एक्सटेंड कर सकते हो। अच्छा। जिस तरह इन्होंने हुण मधुवंती दे विच ठुमरी गाई है जबकि मैं पिछे ध्यान मारा तो मैनू कट मधुवंती च कोई ठुमरी नजर शायद ही आवे भैरवी च ठुमरिया ने पीलो च ठुमरिया ने जेडे राग खमाच दे विच ठुमरी है देश दे विच लेकिन ए ओ राग ने जिन्हां विच ठुमरिया घट हुंदियां लेकिन उहदे विच इन्हां ने उस एरिए नूं चुणिया ठुमरी नूं उहनूं इन्हां ने राग भी चुन लिया कि मैं इहदे च मधुवंती च बनावांगा फिर मैं इहनूं पैरो च देखांगा इह इहनां दी इनवेंशन है इह उहदे च अगे काम कर रहे ने मजीद उहदे विच नवे इमकानात लभ रहे ने ते ठुमरी जिहड़ी है उह इक कैफियत नूं एक्सप्रेस करती है और च पोएट्री जिन्नी मर्जी पा वाह 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 सुभान अल्लाह बहुत बहुत सुनी गल की थी। लेकिन मैं समझनी हां कि कई ठुमरियां ऐसियां ने मुजाहिद साहब के उहदे च सानू लगदा है कि उहदे च हिंदी भी है पंजाबी भी है और सारियां जबानां दा मिक्सचर है जिस तरह मोहे दा लफ्ज़ जिहड़ा वो है ना ते पी पी की पिया नूं पी कहता या पिया तागे पंजाबी च वी असीं इस्तेमाल करने आ इस तरह इहदे च इक जबानां दी वी जिहड़ी है ना वो भी काफी जुड़त है ते अभी बली साहब असीं तुहाडे दोबारा आवांगे ते असीं तो दरख्वास्त करने आ कि सानू कुछ होर ठुमरी सुनाओ। Yeah.
ਠੁਮਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੈਫੀਅਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਿਆਤਨ ਇਹ ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਬੀਬ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੁਮਰੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੁਮਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁਮਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਪੀਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਗ ਪੀਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੁਮਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਠੁਮਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਬਾਜ਼ਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਠੁਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਮਾ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਰ ਠੁਮਰੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਲੋ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਰ ਸੁਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੁਮਰੀ ਦੀ ਕੈਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਤਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੁਮਰੀਆਂ ਪੀਲੋ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਬੇਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਲੀਮੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰਵਾਦਾਰੀ। ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਹਰ ਗਲੂਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਲੀਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰ ਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਠੁਮਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੁਮਰੀ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੇ ਤੇ ਠੁਮਰੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸ਼ਖਸ, ਠੁਮਰੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸ਼ਖਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। मोरे नैनन हारे आजा बलम परदेसी, राह तकते मोरे नैनन हारे आजा बलम परदेसी, बलम परदेसी सजन परदेसी, बलम परदेसी राह तकत मुरे नैनन हारे आजा बलम परदेसी, बलम परदेसी बलम परदेसी। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਅਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਇਟਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹ
लिखारी भी ने और पंजाबी नाल बड़ी मुहब्बत भी रखते ने। ते शफकत आसमी तों इलावा शाद संधू बहुत सोहणे शायर साढ़े नूर हुसैन साहब सुन रहे ने, मुहम्मद शहजाद लतीफ साहब सुन रहे ने और जी आर कसूरी साहब सुन रहे ने। इस तों इलावा बहुत सारे लोग जिहड़े सन सुन रहे ने, मैं उन्हां दे नाल 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 लैंदी रहांगी और सानूं मशवरे भी दे रहे ने। जहांगीर इमरान सानूं सुन रहे ने ते बहुत शुक्रिया नजम अली नजम साहब, तुहाड़ी सलाह भी मैं नोट कर लई है। तो इंशाल्लाह ताला असी कोशिश करांगे कि प्रोग्राम नूं होर बेहतर किया जा सके और सारे जितने साढ़े वड्डे शायर ने, सारे ही पंजाबी दे वड्डे शायर ने, उन्हां नूं असीं बुलाएंगे और उन्हां दा कलाम गाया जाएगा। जिस तरह कि असी एक मुश्किल सिलसिला रख्या होया, तकरीबन रोज़ाना ही कोई ना कोई रिकॉर्डिंग हो रही होंदी है, नाल ही खैराज तहसीन असी पेश करते रहेंगे अपने म्यूजिशियनज़ नूं, गुलकारां नूं, शायरां नूं, अदीबां नूं, जितने भी साढ़े फनून लतीफा दे लोग ने। ते अज हबीब अली साहब के हवाले नाल असी गलबात भी कर रहे हैं और उन्होंने कोलों ठुमरी भी सुन रहे हैं। ते मुजाहिद हुसैन साहब साढ़े नाल ने, पाकिस्तान का बड़ा वड्डा नाँ ने और जितना इन्होंने काम किया मेरे ख्याल घट ही किसी होर म्यूजिक डायरैक्टर ने किया होना। असी क्योंकि इन्हों के हवाले नाल अज गल नहीं करनी, वरना गल उधर टुर पवेगी, असी गल करनी है हबीब अली साहब के हवाले नाल। ते थोड़ी देर पहले असी गल कर रहे सी कि ठुमरी जड़ी है क्योंकि मुश्किल सिनफ है और बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, लेकिन हबीब अली साहब का जज्बा, लगन, इश्क, मैं तो समझनी हूँ कि इन्हों जज्बा लगन इश्क की हद तक पड़ गया होया। और तुसी जिस तरह कहना कि कई बार जो कोई धुन बनाते हैं सुनाते हैं, ये साढ़े जे लोग जोड़े असी मतलब असं तो लिखण वाले लोग है ना, तो कई बार मैनू फोन करे कि बेटा थोड़ा टाइम है थोड़े को, मैं तो दो चीज़ सुनाना चाहना, तो मैं बड़ा चंगा भी लगता है और एक एहसास होंगे खूबसूरती का। वक्त सोचते रहते ने अपने काम वास्ते, अपने काम वास्ते और दोस्तों नूं सुणाउंदे ने। ए बड़ी अच्छी गल है, अच्छी गल है। एक हुंदी सी रवायत, तो रवायत खत्म हो गई, खत्म हो गई, इन्होंने उन्हें जिंदा भी किया। हर बंदे अपने आप नूं उस्ताद असीं समझने आ, सारे साडे जिहड़े लोग ने, ते ओह जिहड़ी उस्तादी है ना, उहने फिर कई वारी ओह वक्तां च वी पा दिंदी है। बहरहाल ये बड़ी चंगी गल है। ते मजाह साहब हुण जिहड़ा इन्हां ने सानूं ठुमरी सुनाई है, इस हवाले नाल वी कोई चानण पाओ। ये बड़ी मतलब इन्होंने उस्ताद ने भी गाई है और बड़े उस्तादा ने इन इस ठुमरी को गाया है। अच्छा। और ये बड़ी पॉपुलर और बड़ी मुस्तनद ठुमरिया चो एक ठुमरी है। अच्छा। आजा बलम परदेस, नैना मोरे तरस के, नैना मोरे तरस के आजा बलम। और ए पूरी कैफियत जिस तरह एक हिजर और फिराक की कैफियत है, ओनू इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्रैस किया है, सुरा ने भी किया, लफ्जा ने भी किया, इन्हों की गायकी ने भी किया। लिहाजा बहुत ही मजा आ रहा है इन्हां दे गाण दा। जी बिस्मिल्लाह बीब साहब। तरी सगम तरी सानी दा पगमरे सब सबन
दरो दीवार रच गया इस तो वड्डी केड़ी गल मतलब एक होर कैफियत दे विच लै के चले गए बिलकुल जिस तरह कहते ने कि मौसम बंदे दे अंदर होंदा इस तरह मैं समझनी कि मौसीकी जिहड़ी है इह भी मौसम नूं बदल देती है ना कि जिस तरह हुण ओह गा रहे सी ते वाकई दा नहीं ओह सावन रुत साडे ख्याल विच साडे वजूद ते तारी होई सी और ओह सावन रुत दे नाल बहुत सारी खूबसूरती जुड़ी हुंदी है जुड़ी हुंदी बिलकुल ओह सारी एक्सप्रेस साडे नाल सादिया ने बहुत अच्छी शायरा ने सी उहनां नाल भी गलबात करांगे लेकिन इस वेले असीं दोबारा हबीब अली साहब कोलों एक होर ठुमरी सुनने और फिर गलबात करांगे मुजाहिद हुसैन साहब साडे नाल ने सादिया नाल ने होर साडे दोस्त कोल बैठे ने बिलाल लोक स्टूडियो च देखते रहो सुनते रहो बिलाल लोक स्टूडियो